छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार 26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में 10 जवान और एक वाहन चालक शहीद हो गए थे। इन शहीद जवानों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने श्रद्धांजलि दी और नक्सलियों के प्रतीकात्मक दहन के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। शिवाजी महाराज चौक पर नक्सलवाद हो बर्बाद के नारे भी लगाए गए। एबीवीपी के नगर संयुक्त मंत्री सुजान चौधरी ने राय व्यक्त की कि कानून और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करने वाली सुरक्षा व्यवस्था पर इस तरह के घातक हमले हो रहे हैं तो यह इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है और प्रशासन इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। बढ़ रही नक्सली घटनाएं, इस मौके पर यश राउत, अजिंक्य देव, दीपक बगवाड़िया, रामनिवास बेनीवाल, शिवम काले, कुणाल हिफसे, रजत बत्रा, अभिषेक द्विवेदी, नगेश जायसवाल, एमी काकड़े, विशाल चौधरी, तेजस पिसल, भूषण खैरकर, तुषार कतवाटे, पंकज अभिषेक व जिला संगठन मंत्री मौजूद थे। बुधवार 26 अप्रैल रोजी जे छत्तीसगढ़ मध्य दंतेवाड़ा इतने अपने DRG चे जवान जे की तिथल्या नक्सलवादी मुवमेंटना हैंडल नियंत्रित करण्याचं जे पथक असतं आपलं सुरक्षा यंत्रणा ते तिथे मार्गक्रमण करत असताना अचानक नक्षलवाद्यांकडून तिथे भ्याड हल्ला होतो आणि तिथे आपले DRG चे तब्बल 10 जवान आणि एक वाहन चालक सहित असे आपले 11 जण एकूण शहीद होतात। छत्तीसगडच्या दंतेवाडामध्ये आपले DRG चे जवान जे DRG त्या क्षेत्रातील लोकांना आपले सैन्यात भरती करून घेतात ते जवान नक्सलवादी मोहिमेवर होते। त्या मोहिमेनंतर आपले जवान त्या मोहिमेतून परत येत असताना ह्या लाल गुलामांनी भाड्य हल्ला केला। तो भाड्य हल्ला एवढा तीव्र होता की आपले 11 जवान 10 जवान आणि त्यांचा चालक ह्या हल्ल्यात शहीद झाले